इन दिफिक इंट्रैक्शन अपोजमेटिक कलरेशन एंड द मेमिक्री फर्स्ट था कॉन्टेंट्स एपोजमैटिक कलरेशन डेंड्रोबेटिक फ्रॉग्स ऑफ अमेरिका मेमिक्री बेटिसियन मेमिक्री एंड द मलेरियन मेमिक्री तो फर्स्ट था अपोजमेटिक कलरेशन अपोजमेटिक कलरेशन बेसिकली एक नेचुरल फिनोमिना है आर इफ द एनिमल्स इज़ डिसटेस्टफुल इट एडवरटाइज इट्स प्रॉपर्टी सो दैट द अदर प्रेटर्स दे मे नॉट अटैक आन द एनिमल मीनस के सिंपल एग्जाम्पल हम यूँ देखें कि जैसे आ, अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड को देखें तो बहुत सारे मुल्क जो होते हैं वो जैसे वो पाकिस्तान इंडिया ने, ने एटमी धमाके किया उसको कहता है एडवर्टाइज़ किया या फिर सर आप देखते हैं कि मुख्य मुल्क जो है वो कहते हैं कि जो आज पाकिस्तान ने इंडिया ने फलां मुल्क ने जो वो क्या किया लॉन्ग रेंज मिजाइल का तजर्बा किया अब ये इसको एडवर्टाइज़ क्यों किया जाता है इसको एडवर्टाइज़ इसलिए किया जाता है ताकि जो एनिमी कंट्रीज़ हैं जो दुश्मन मुल्क हैं वो क्या कर सकें वो इसके ऊपर अटैक करने की या उसके खिलाफ साजिश करने की जरूरत ना करें तो सेम इज एग्जि एग्जिस्टिंग इन द नेचर कि बहुत सारे एनिमल्स जो कि पॉइजनस होते हैं या फिर क्या है कि वो डिसटेस्टफुल हैं वो प्रॉपर उनका टेस्ट अच्छा नहीं है कि उसको पसंद करें दे एडवर्टाइज़ दिस प्रॉपर्टी वो अपनी इस प्रॉपर्टी को बाकायदा शो करते हैं बाकायदा इसको एडवर्टाइज करते हैं ताकि जो प्रिडेटर्स हैं दे मे नॉट अटैक ऑन डेम तो प्रडेटर उनके ऊपर प्रेफरलेबल अटैक ना करें और सबसे उनकी डेथ जो है वो या उनको एज ए फूड यूज़ ना करें तो दिस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की अपनी पॉइजनस को या फिर अपने डिसटेस्टफुल को एडवर्टाइज करना दिस इज कॉल्ड द अपोजमेटिक कलरेशन अब ये एडवर्टीजमेंट कैसी होती है ये बेसिकली नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ ब्राइट कलर्ड होती है कि एनिमल्स अपने आप को बाकायदा इसकी इस प्रॉपर्टी को एक ब्राइट कलर की फॉर्म में शो करते हैं तो यूजुअली जो एनिमल पॉइजनस होते हैं वो बड़े ब्राइटली कलर्ड होते हैं और जो प्रिडिक्टर है उनको वैसे आइडिया होता फौर so, है दिस एनिमल इज नॉट फॉर द फूड सो वन एग्जाम्पल ऑफ कलरेशन इज द डेंड्रोबेटिड फ्रॉग ऑफ द सेंट्रल एंड द साउथ अमेरिका सेंट्रल और साउथ अमेरिका के अंदर एक फ्रॉग है ये फ्रॉग एक टाइप है दैट इज अ पॉइजनस वन ये पॉइजनस वन है इस वजह से अब जो पॉइजनस होने की जो प्रॉपर्टी है इसको उन्होंने बाकायदा एडवर्टाइज किया है इन द फॉर्म ऑफ ब्राइट कलर्स कि डेंड्रोबेटेड फ्रॉग्स दे आर ब्राइटली कलर्ड सो व्हेन सम प्रीडेटर लुक एट देम जब आपको प्रीडेटर्स को देखेगा तो उसका ब्राइट कलर की वजह से उसको अवॉइड करेगा क्योंकि प्रीडेटर को ऑलरेडी पता चल जाएगा क्या कि दिस ब्राइटली कलर्ड फ्रॉग इज एक्चुअली द पॉइजनस वन तो जैसे फ्रॉग्स को मेन जो अटैक होता है वो स्नेक्स वगैरह के फॉर्म में होता है तो जब स्नेक उसको देखेगा ब्राइट कलर होने की वजह से उसको वैसे क्या करेगा वो अवॉइड कर जाएगा सो हेर इन दिस डायग्राम यू कैन सी द देंड्रोबैटिक फ्रॉग इट इज ब्राइटली कलर्ड ये ब्राइटली कलर्ड है दिस ब्राइट कलर इज एन इंडिकेशन दैट दिस फ्रॉग इज द पॉइजनस वन ये फ्रॉग जो है पॉइजनस है सेकेंड फ्रॉमिना दैट इज द मिमिक्री अच्छा मिमिक्री का मतलब मिमिक का मतलब क्या था किसी को जब हम कॉपी करते हैं कोई एक शख्स दूसरे बंदे की उसका अंदाज़ अपनाता है तो हम क्या कहते हैं कि ये मिमिक कर रहा है तो मिमिक का मतलब क्या होगा कि किसी दूसरे जैसी रिजेबलेंस गेन करना ये फिनोमिना नेचर के अंदर एनिमल्स के अंदर पाया जाता है आमतौर पर वो एनिमल्स जो पॉइजनस नहीं होते हैं जो डिस्टेस्टफुल नहीं होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपने आप को एक ऐसे एनिमल से रिजेंबल्स कर लेते हैं जो कि डेंजरस होता है या फिर वो पॉइजनस होता है इस नॉन डेंजरस या नॉन पॉइजनस एनिमल इट गेट रिजेंबलेंस टू द डेंजरस आर द पॉइजनस एनिमल दिस स्पेसिफिक फिनमिना इज कॉल्ड द मिमिक्री इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है मिमिक्री है कि एनिमल जो है वो किसी डेंजरस एनिमल की तरह जो है वो क्या कर रहा है कि अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है आमतौर पर ये जो मिमिक्री है ये एनिमल जो मिमिक करता है उसमें तो एक जो एनिमल जो होगा जो मिमिक्री करेगा दैट इज कॉल्ड द मिमिक और दूसरा जिसको वो कॉपी कर रहा था दैट इज कॉल्ड द मॉडल तो इससे इसमें बकायदा क्या होता है कि इसको एक मिमिक्री करने वाला जिसकी कॉपी किया जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं ये मॉडल है सो तो, नॉर्मल हालात में एक ही एनिमल को कॉपी किया जाता है लेकिन सम टाइम्स वन एनिमल मे हैव रिजेवलेंस टू मोर देन वन एनिमल दो या तीन एनिमल की तरह वो अपने आपको मिमिक कर सकता है या उसको कर सकता है मिमिक्री की दो बेसिक टाइप्स हैं द फर्स्ट वन इज द बेटिसन मिमिक्री बेटिसियन मिमिक्री जो है ये ज्यादा कॉमन है इसमें नॉर्मल द एनिमल आर द स्पीशीज वन स्पीशीज इट सेल्फ टू समेंजरस एनिमल एक एनिमल की स्पीशीज अपने आपको किसी दूसरे डेंजरस एनिमल के जैसे क्या करते हैं अपने आपको रिप्रेजेंट करती है इससे जो प्रीडेटर है वो उसको एक्चुअल स्पीशीज आइडेंटिफाई करने के बजाय को डेंजरस स्पीशीज समझ कर क्या करेगा उसको अवॉइड करेगा द वन एग्ज़ाम्पल इज़ द फ्लाइज बिलोंगिंग टू फैमिली सर्फिडी सर्फिडी फैमिली से जो फ्लाइज बिलोंग करती हैं ये नॉर्मली क्या होती हैं कि ये डेंजरस नहीं होती है नॉन पॉइजनस होती हैं लेकिन इनकी जो शेप है मार्फोलोजी है वो या तो हनी बीस बीस से मिलती होगी या फिर ये वेस्ट से मिलती जुलती होती है अब जो प्रीडेटर है जो फ्लाइज को ईट करने वाले बर्ड्स हैं या बाकी एनिमल्स हैं जब वो उसको देखेंगे तो दे विल थिंक इट टू बी आर बी आर बी या वेस्प समझ के क्या करेंगे छोड़ देंगे या इस डाइग्राम में आप देख सकते हैं ये बेसिकली फ्लाई है लेकिन इसकी जो ओवरऑल रिजेंबलेंस है वो किसकी तरह है वो एक खबी की तरह है तो जो प्रीडेटर है चूंकि बीज जो होती हैं वो स्टिंग रखती हैं बीज जो होती हैं वो बाकायदा आगे से जो पॉइजनस होती हैं इसलिए प्रीडेटर बीज को नहीं जो प्रीडेटर बीज को नहीं खाते हैं अब वो इस फ्लाई को भी क्या करेंगे अवॉइड करेंगे कलर वाइज जो है वो सिमिलरिटी है लेकिन इसके बावजूद इसमें बहुत सारी है। जो, है, है। जो, है, जो है डिफ्रेंसेज मौजूद हैं जैसे जो फ्लाइज होती हैं उसके दो विंग्स होते हैं जबकि जो बीज होती हैं उनके पास टू पेयर्स ऑफ विंग्स जो हैं वो मौजूद होते हैं द सेकेंड फार्म ऑफ मिमिक्री इज द मलेरियन मिमिक्री अच्छा मोलेरियन मिमिक्री जो है एक ऐसा फिनोमिन जिसमें जो एनिमल रिजेबलर्स गेन कर रहा है जिसको हम मिमिक कहते हैं वो खुद भी डिसटेस्टफुल होता है और जिसको ये कॉपी करने जा रहा होता है या रिजेंबलेंस गेन करने जा रहा होता है वो खुद भी क्या होता है डिस्टेस्टफुल होता है यानी ममिक भी डिस्टेस्टफुल होगा और मॉडल जो है वो भी क्या होगा डिस्टेस्टफुल होगा अब इसका बेनिफिट क्या है कि वो तो पहले से डिस्टेस्टफुल था उसने अपने आप को क्यों दूसरे एनिमल की तरह जहाँ वो मिमिक किया है उसकी सिंपल रीजन ये है कि अगर कोई एनिमल अब चूंकि दोनों की रिजेंबलेंस एक जैसी है कोई प्रीडेटर चाहे एक दफा जब वो मिमिक को अटैक करेगा या मॉडल को अटैक करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये तो डिस्टेस्टफुल एनिमल है तो उसके बाद वो दोनों में से किसी एक को भी दोबारा से जो है वो एज ए फूड जो है प्रेफर नहीं करेगा उसको एज ए फूड यूटिलाइज नहीं करेगा तो इस तरह से आमतौर पर बहुत सारी इस तरह से जो स्पीशीज़ होती हैं वो एक जैसे जो है वो गेन कर लेते हैं फिर उसकी मिमिक कर लेते हैं रिजमरस गेन कर लेती हैं तो बेनिफिट यह है कि उनमें से किसी को भी जब प्रिडेटर खाएगा एक दफ़ा तो दोबारा उसमें से किसी भी स्पीशीज़ को दोबारा खाने की कोशिश 何からが